ये हवेली 250 साल पुरानी है। इसको इतिहास में शेरां वाली हवेली करके लिखा गया है। ये हवेली जो है, इस हवेली में खास तो यही है कि यहाँ पे इतिहास की रचना हुई है। खंडर में तब्दील राज कवि संतोख सिंह की 250 साल पुरानी हवेली, सिख विरासत का ऐसा हाल। दरअसल कैथल के अंतिम शासक भाई उदय सिंह के दरबारी कवि भाई संतोख सिंह की 250 साल पुरानी हवेली आज जर्जर हालत में है। सिख दर्शन के विद्वान और पंजाबी के मशहूर कवि भाई संतोख सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जो इतने प्रसिद्ध कवि हुए कि कैथल के शासक भाई उदय सिंह ने उन्हें कैथल बुला लिया। यहाँ संतोख सिंह जी ने कई रचनाएं लिखी। ये वो हवेली है जहाँ वो 18 साल रहे। अनेकों रचनाएं यहाँ रहकर उन्होंने लिखी। कहा जाता है कि संतोख सिंह ने कैथल जाने से पहले पटियाला में कुछ समय महाराजा करम सिंह जी के पास बिताया था। वहाँ उन्हें इतनी ख्याति मिली कि 2 वर्ष बाद ही कैथल के शासक भाई उदय सिंह ने अपने यहाँ बुला लिया। पटियाला के भांति कैथल में भी इनका काफी नाम हुआ और यहीं पर प्रसिद्ध गुरु प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की। भाई संतोख सिंह जी की ये 2 मंजिला हवेली जो अब काफी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है और अब इसमें शहर का ही एक परिवार रहता है। कैथल में अपने 18 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई रचनाएं की। हालांकि कैथल उस दौर में पंजाब के हिस्से में आता था, लेकिन अब ये एक हरियाणा का शहर है। हालांकि हवेली की तस्वीरें देखकर दुख होगा, रोना आएगा, क्योंकि ये एक महान विरासत का अंत है। लेकिन अब चूड़ामंडी ट्रस्ट इस विरासत को दोबारा से जीवित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस हवेली के बारे में जान सके और जान सके उस महान राज कवि संतोख सिंह जी के बारे में, जिन्होंने कई रचनाएं की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जिस यो हवेली आप पीछे देख रहे हैं, ये हवेली कैथल में कवि राज भाई संतोख सिंह जी, जो के साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ये उनकी हवेली है। उन्होंने यहाँ पे रह के बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है और साथ ही बहुत अच्छे तरह अपना जीवन व्यतीत किया इसी हवेली में। कवि भाई संतोख सिंह जी वो एक संत, उच्च कोटि के विद्वान, सूझवान नागरिक गुरसिख थे, जो के तरन तारण के इलाके में नूर दी सराय पड़ती है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम भाई देवा सिंह, माता रजाई, जिन्होंने इनके सत्कार योग माता पिता, और इन्होंने श्री हरिमंदर साहब में रह के भाई संत सिंह जी के पास विद्या ग्रहण करी और बड़े उच्च कोटि के विद्वान रहे। तकरीबन 15 साल इन्होंने विद्या ग्रहण करी और इसके बाद इन्होंने विचर के अपनी विद्या से साहित्य की रचना की और समय समय अनुसार ये अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से कलम से देते रहे हैं। भाषा विभाग तो मिलती है ना, ता ही ग्रंथ पूरा होता है जी। ये फर्स्ट इंट्रोग्रेशन पहली जिल्द है और एदियां 14 पोथियां जे इन्हां नूं 3 भागों के देखिए तो गुरु ग्रंथ साहब जी के 3 ग्रंथ जोड़े ने भी छपे मिलते हैं जी। सो इतना विशाल ये साडा साहित्य का एक खजाना कवि जी ने सेवा की है जी। सो इस प्रकार ये सेवा जी इत कैथल ये महाराजा उदय सिंह इनको लेकर के आए। इस सिखों के जो आखिरी राजे हैं महाराजा, सो उन्होंने महाराजा करम सिंह पटियाला से इनको मांगा, क्योंकि इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा थी, बहुत ख्याति होने करके इनको यहाँ पे लेके आया गया। और
इस हवेली में इनको रिहायश कराई गई, सारा परिवार यहीं पे था। और ये सम्मत 1880 सम्मत में इनको यहाँ पे ले आया गया। और यहाँ पे रह के इन्होंने जो बेमिसाल ग्रंथ रचे हैं उनमें से सबसे पहले श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ का नाम सारे विश्व में विख्यात है, जिसकी कथा बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारों में आज होती है। और ये ना केवल इतिहास की कथा का ही जरिया ये ग्रंथ, साथ ही ये एक बहुत बड़ा स्रोत है, सिखों की पहचान का एक बहुत बड़ा एक स्रोत है, विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ पहले तो रचा गया, इसके साथ ही गर्भगंजनी टीका इसे हवेली में रचा गया, इसके साथ वाल्मीकि रामायण का जो अनुवाद है वो यहाँ पे हुआ है, और अमरकोश नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ यहाँ पे रचा गया है। इसके साथ ही ये तो कुछ चर्चित ग्रंथ हैं, इसके साथ घर बनाने की विधि और प्रश्न विधि, ये दो ग्रंथ भी इसी हवेली में रह के रचे गए। एक ग्रंथ का नाम जो अब नहीं मिलता, जो गुप्त लोप हो चुका है, सो ऐसे महाविद्या के स्रोत इस हवेली में कवि संतोख सिंह जी ने अपनी कलम के द्वारा लिखे। उनको दरबार में लेके आए थे, बतौर कवि के रूप में ही लेके आए थे, और रियासत के वो रुकन थे, उनकी सलाह ली जाती थी, जो भी कोई हुक्म लेना होता जिसमें कोई धर्म का पक्ष रखना होता है राजे ने, तो कवि जी की बकायदा सलाह ली जाती थी। और क्योंकि महाराजा उदय सिंह आप भी बहुत धर्मी राजे हुए ने, सो उनकी रियासत चलाने में भी कवि संतोख सिंह जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। वो रियासत में रुकन थे, उनको मोथली नाम के पिंड की जागीर जो वो दी गई थी खर्चे के रूप में, और यहाँ पे 25-30 उनके सेवादार, और इसके अलावा उनको बहुत सारे जो लिखारी का मतलब राइटर, कवि जी बैठ के लिखाते थे, और ये जो राइटर थे भाव लिखारी, वो लिखारी लिखते थे ले में होने करके, और लोगों को जानकारी ना होने करके पता नहीं कितने सालों से लोग यहाँ पे गंद फेंक रहे थे। जब यहाँ पे आके सफाई की सेवा शुरू करी है, उस वेले तकरीबन 3 ट्रालियाँ तो केवल गंदगी की ही साफ करी गई है, इतना यहाँ पे गंदगी थी। और ये रास्ता ये बंद था बिल्कुल, यहाँ पे दीवार गिरी हुई थी, ये सारा रास्ता ब्लॉक था, अंदर भी कोई जा नहीं सकता था, सब रास्ते ब्लॉक थे। इसकी फिर धीरे 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 6 महीने इसकी सफाई, चूड़ामणि की उपाधि ये सिख पंथ ने कवि जी को दी है, जैसे महाराजा रणजीत सिंह साहब को सिंह साहब की और महाराजे की पदवी ये खालसे पंथ ने दिया, इसी प्रकार कवि राज भाई संतोख सिंह जी को चूड़ामणि की पदवी जो है ये खालसे पंथ ने दी है। और चूड़ामणि का जो भाव है, जैसे हम श्री का अर्थ कर लेते हैं, ये श्री का ही अनुरूप शब्द है, उसी प्रकार का ये शब्द है श्री चूड़ामणि, ये इनकी पदवी है, ये खालसे ने दिया है। कवियों में ये श्रेष्ठ थे, इनकी कलम की मिसाल आज पूरे विश्व में विख्यात है, कोई इनकी कलम की कोई इनके मुकाबला नहीं है। हवेली का सेवा संभाल का काम है ये करीबन 1 साल से मुख्य रूप में हमारे पास आया, और ये संस्था जो है कविराज भाई संतोख सिंह चूड़ामणि ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के जो मुखी हैं ज्ञानी शेर सिंह जी अंबाला वाले, पूरे विश्व में विख्यात हैं, कथावाचक हैं, और पूरे विश्व में विद्या पढ़ा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही विधि चंद दल के जथेदार बाबा अवतार सिंह जी, मांडी साहब वाले बाबा गुरविंदर सिंह जी, नानकसर संप्रदाय से भी विद्वान दमदमी टकसाल से, और जिस भी संप्रदाय में ये खबर पहुंचती है कि ये हवेली है, इसकी सेवा अब खुले रूप में होएगी,
सो जिस जब भी पता लगता है वो सारे यहाँ पे आके विजिट करते हैं और समय समय अनुसार अपना योगदान हरेक प्रकार यहाँ से डालते हैं। सिख पंथ के जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनकी लड़ीवार और हस्तलिखित विद्या का कार्य ये चल रहा है, जिसमें ना केवल इंडिया और विदेश के भी विद्यार्थी जो हैं वो ऑनलाइन संथ्या प्राप्त कर रहे हैं। कवि संतोख सिंह जी मुख्य रूप में जो ग्रंथ लिखे हैं वो सारे ब्रज भाषा में ही लिखे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ब्रज भाषा का ही प्रचलन था। जितने भी ग्रंथ उस टाइम विद्वान लोगों ने लिखे हैं वो सारे काव्य में और ब्रज भाषा में लिखे हैं, और संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे, हिंदी के गुरमुखी के बहुत बड़े वो विद्वान थे, सो कई भाषाओं के विद्वान थे, पर मुख्य रूप दे विच जो ग्रंथ लिखे हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखे हुए मिलते हैं। और इनका आने वाले टाइम में फिर विद्वान लोगों ने, जैसे भाई वीर सिंह जी हुए हैं, भाई वीर सिंह ने ब्रज भाषा से गुरमुखी में उलथा करके वो फिर मुहैया कराया। ये हवेली 250 साल पुरानी है, इसको इतिहास में शेरां वाली हवेली करके लिखा गया है। ये हवेली जो है, इस हवेली में खास तो यही है कि यहाँ पे इतिहास की रचना हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हवेलियाँ तो पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कितनी हवेलियाँ होंगी, कोई इनका मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, पर जहाँ पे कोई एक धार्मिक कार्य हो जाता है वो एक हवेलियों का शहर है, पर जहाँ पे एक धार्मिक कार्य हो गया, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद हो रहा है, संत महात्मा आ रहे हैं, वो एक ना केवल इमारती रूप में सगों वो एक धार्मिक रूप में भी बहुत श्रेष्ठ हो जाती है जगह। ये हवेली गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही नौवीं कैथल में बड़ा मशहूर जगह, उसके बिल्कुल पीछे है। और अगर किसी ने सीधे रूप में आना होए तो फिर माता गेट से सीधा यहाँ पे गाड़ी का रास्ता है, गाड़ी का रास्ता एक ही है और कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है, माता गेट से है। और अगर किसी ने पैदल आना तो मंजी साहिब गुरुद्वारे के नज़दीक है बिल्कुल। कवि भाई संतोख सिंह जी ने जिथे सिख पंथ का इतिहास कलमबद्ध किया, इसके साथ ही जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया, अमरकोश, नामकोश, गुरु नानक प्रकाश, ऐसे महान ग्रंथ जो हैं वो भी उन्होंने अपनी कलम से सेवा करी है। कवि भाई संतोख सिंह जी का जो स्वभाव है, उनका जो बिहेवियर है, वो बड़ा उच्च कोटि का और मन को नीवा रखने वाले वो महापुरुष हुए हैं। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना मैं आपको जरूर साझी करूँगा कि एक बार महाराजा उदय सिंह के दरबार में एक विद्वान चर्चा करने के लिए पहुंचा और उसने कवि जी को कहा कि मैं आपको आपके साथ चर्चा करनी चाहता हूं, पर कवि जी ने उनके उठने बैठने बात करने के तरीके से ये अनुभव कर लिया कि ये मेरे सामने टिकेगा नहीं। उन्होंने शाम को जाके जहाँ पे वो ब्राह्मण जी रुके हुए थे उनका सत्कार किया, उनको एक बेशकीमती वस्त्र भेंट किया और कुछ उस टाइम के हिसाब से कुछ पैसे दे के उनको कहा कि हम आपसे किसी प्रकार का भी कोई चर्चा करने का मेरा विषय नहीं है, सो हम तो बंदगी करने वाले हैं। पर उस विद्वान ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। ये बात महाराजा उदय सिंह के पास पहुंची और महाराजा उदय सिंह ने कवि जी को बुलाया कि आप क्या आप उस विद्वान से डर गए हैं? तो कवि जी कहते इसका अब जो निर्णय ये चर्चा के बाद ही बताएंगे कि मैंने उनको ऐसा क्यों किया। सभा में चर्चा हुई, थोड़े टाइम में वो जो विद्वान थे वो धराशायी हो गए। जब धराशायी हुए तो फिर कवि जी ने सबके सामने कहा कि मैं केवल इसी बात से डरता था कि मैं कभी भी अपनी जबान से किसी को नीचा ना दिखाना पड़े। मेरे को ये स्वभाव था कि कोई शत्रुता लेकर के भी कोई नीचा दिखाने के लिए भी आवे उसके लिए भी मन में निम्रता रखते सी, बड़े दयालु स्वभाव के सी, और कभी भी अपनी वृत्ति को उन्होंने डोलने नहीं दिया। उनके कलम के द्वारा एक लाइन मैं जरूर सुनाऊंगा। उनके टाइम में ऐसा भी हुआ कि उनके पास कोई रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं था,
वस्त्र नहीं थे, उनका परिवार बहुत बड़ा था और खर्चा भी है। उन्होंने अपनी कलम से लिखा कि बिना रोजगार रोजगार खाइयत है, कि आज मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे पास कोई कोई, क्योंकि कवि ने तो कवि का काम ही करना है, कवि ने किसी और प्रकार का कोई और काम धंधा वो नहीं कर सकता, जो जिसकी ड्यूटी है वो वैसे ही करेगा। और उनके पास कोई रोजगार ना होने की वजह से वो कहते कि मैं रोज गालियां खाता था, जो लोग उधारी लेने आते थे तो वो मेरे को बुरा भला कहते थे, पर ऐसे माहौल में भी उन्होंने अपने हृदय को टिका के रखा और कभी कलम की सेवा नहीं छोड़ी। मैं ना केवल सिख कम्युनिटी ही और सगों सारे ही, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, ये हमारा हम मोहल्ला हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, ये जब हवेली जबकि यहाँ पे बनी हुई है, ये उसी टाइम से ये हिंदू समाज का बहुगिनती है। सो कोई भी धार्मिक स्थान होता है वो किसी एक कम्युनिटी का प्रेफर नहीं होता, क्योंकि हरिमंदर साहब भी अगर हम देखते हैं चार दरवाजे खुले हैं। इसलिए मैं सारे ही जितने भी कम्युनिटीज हैं उन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बेनती करना चाहता हूँ कि ये हम सब का एक साझा स्थान है, यहाँ पे धार्मिक ग्रंथों की ना केवल रचना हुई है, इनका अध्ययन हुआ है, और समय था जब हर टाइम यहाँ पे हरेक प्रकार के विद्वान लोग आके, संत महापुरुष आके यहाँ कई कई दिन रहा करते सी, और इसकी सेवा चल रही है। आप सारे तन मन तन से इस सेवा में अपना जहाँ योगदान डालो, और दूसरा अगर किसी ने धार्मिक विद्या का अध्ययन करना है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी का अध्ययन करना है, सो वो अध्ययन भी यहाँ पे कराया जा रहा है। लड़ीवार और हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन है, इतिहास के ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, वेदांत के ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, आप सारे इस चीज का लाहा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, विद्या यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई जा रही है।